इन टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए कि इन टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए आप पहुँचे हैं अपनी मंजिल तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, होपफुली बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं और आप फिर मिल गए एक और वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं रानीगंज की सबसे फेमस लस्सी शॉप पे। लस्सी शॉप का नाम है छोटे भाई की छोटी दुकान। आइए दिखाते हैं यहाँ का सीन पूरा। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बबलू है। बबलू नाम है आपका जी? ये बताइए आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है पशुपत सरण। पशुपत सरण जी। तो ये बताइए आपकी शॉप यहीं पे थी कहीं और थी पहले? नहीं सर, मार्केट में थी हमारी दुकान। तो यहाँ पिछले आ गई तो वहाँ पे तोड़फोड़ हो गया। ओके। मार्केट टूट गई, रोड बन रहा अभी, प्रॉब्लम थी तो हम यहाँ पे सेटअप कर लिए अपना। ये बताइए सबसे मतलब सबसे फेमस आपके यहाँ क्या है? हमारा तो काम मेन यही लस्सी का है सबसे फेमस जी। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, प्रॉपर यहाँ पे कुल्हड़ रखे हुए हैं, मिट्टी के कुल्हड़ भाई प्रॉपर रखे हुए हैं। और ये लस्सी भाई है, और ये काजू बादाम और पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। तो भाई कितने रुपए की? ये हमारा स्पेशल बोर्ड, स्पेशल कुल्हड़ लस्सी। वाओ वाओ, स्पेशल कुल्हड़ लस्सी, स्पेशल तो, पैकिंग। ओके। और स्पेशली तो हमें सुनने में आया है आप सॉन्ग अच्छा गाते हैं। जी बिल्कुल। तो सिंगिंग करेंगे सॉन्ग? क्यों नहीं करेंगे, प्लीज कर दें। बिल्कुल, क्या बात है। अभी पहले या लस्सी पिला दें आपको? लस्सी पिला दें, सुनाइए। लस्सी पिलाते रहें और सुनाते रहें। ओके चलिए, पहले लस्सी दे दें आप। ओके। तो आप लोग देख सकते हैं भाई लस्सी मेकिंग चल रही है। तो ये लस्सी आ गई इसमें। ओ भाई साहब क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है, गजब, बहुत ही बेहतरीन। बबलू भाई कमाल कर दिया आपने। ये हमारा पुराना सा है। ओके। छोटे भाई की छोटी दुकान के नाम से फेमस था मेन मार्केट में दुकान। ओके ओके। अब यहाँ आउटर पे आ गए, लेकिन जो हमारे चाहने वाले हैं वो आ रहे हैं कंटिन्यू। ये क्या है? ये है रबड़ी। रबड़ी डालते हैं जी, रबड़ी मलाई। तो हमें हमने सुना है लस्सी में मतलब कुछ लोग सिर्फ दही डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ये रबड़ी मलाई है तभी इसका टेस्ट आएगा। इतना अच्छा लग रहा, देख सकते हैं आप लोग। ओ भाई साहब क्या बेहतरीन है। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बादाम। ये बादाम है, बादाम की क्वांटिटी देख ली, दो बादाम पड़ते हैं इसमें। और ये आएगा आपका काजू। ये काजू आ गया दो। इसके बाद में आएगी थोड़ी सी शुगर। ओके, शुगर थोड़ी सी। वाह व्हाट अ मेकिंग। फिर आएगा आपका रूअफ़ज़ा। ओ भाई साहब रूअफ़ज़ा भी, वो भी हमदर्द का। देखने भी इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा होगा ये। तो ट्राई करें? जी बिल्कुल लीजिए, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये, तो खाने में कितना प्यारा होगा। तो आपको बताते हैं टेस्ट इसका पूरा, आइए दिखाते हैं टेस्ट इसका। तो गाइस अभी हम लस्सी ट्राई करने वाले हैं और बबलू भाई हमारे सॉन्ग भी सिंगिंग करेंगे। तो सुनाइए सॉन्ग आप, हम लस्सी कैसे बताते हैं। बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए सॉन्ग अपना, इसी में सुना दे, माइक वगैरह। ये बिल्कुल सुनाइए जी। हमारा एक पुराना सा सॉन्ग है जो हमारा फेवरेट है भी, और मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन ये गाना मैं गाता रहता हूँ। ओके। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं, कुछ लोग फिरोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं, उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते। बहुत ही उम्दा सॉन्ग भाई साहब, बहुत ही, फिर नहीं आते। लगता है आपका दिल टूटा है। ऐसा नहीं है, लेकिन आपने गाना अच्छा गाया है। चाहत जो होती है वो पुराने से नए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सॉन्ग तो हमको नए जमाने के भी आते हैं, और जो हमारा फेवरेट है वही हम गाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सॉन्ग भाई बहुत अच्छा गाया है बबलू भाई, मज़ा आ गया भाई। अब ये करते हैं लस्सी इनकी। जी बिल्कुल, इन्जॉय करिए। अब दिखाते हैं आपको लस्सी।
तो ये देखिए, पहले तो बादाम, ये रबड़ी और ये रूहअफ़ज़ा सब मिक्स कर लिया हम इसमें। अब बताते हैं टेस्ट। भाई बहुत ही औसम टेस्ट है, बहुत ज़्यादा। आपको आपको लस्सी हर जगह मिल जाएगी, लेकिन यहाँ जैसी लस्सी आपको कहीं नहीं मिलेगी, शायद ही कहीं मिल जाए। अगर भाई अगर किसी को अगर यहाँ पे आना हो लस्सी पीने, तो कहाँ बताइए एड्रेस क्या है? ये जगदीशपुर से 7 किलोमीटर रानीगंज। ओके। नियरेस्ट DJ कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। ओके। मेन मार्केट से थोड़ा सा दुकान हट गई है इस बार, बताया था आपने, लेकिन रोड बन जाने के बाद में पुराना जो अड्डा है हमारा, पुरानी जगह है, वहाँ पे नई तरह के सेटिंग होगी। अभी थोड़ा सा क्रैशिंग हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हम किनारे आ गए। तो भाई अपनी जारी। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप रानीगंज आते हैं तो बबलू भाई की लस्सी जरूर ट्राई करें, क्योंकि अगर आप लस्सी ट्राई नहीं करते, समझ लीजिए आपने सब कुछ मिस कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, करिएगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। असम बाइकर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और इनको तरक्की पर ले जाइए। थैंक यू सो मच बबलू भाई, थैंक यू सो मच।